नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। बराकर बस स्टैंड में हमारा डांस एकेडमी है, जहाँ पर डांस सिंगिंग मॉडलिंग सिखाया जाता है। ये एक योगा दिवस पर हमारा महिलाओं के लिए योगा सुविधा की गई है। हमारा यहाँ एडमिशन फ्री है, जिन्हें भी करना है, इंटरेस्टेड है, वो संपर्क करें। और यहाँ ब्यूटिशियन भी सिखाया जाता है, और नीचे दिया हुआ नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? जामाई माझी। अच्छा, अभी जो आप ये सब ट्रीटमेंट कर रहे हो, आजकल आई में कॉमन प्रॉब्लम क्या दिखाई दे रहा है आपको? कॉमन प्रॉब्लम डिमनेस ऑफ विजन, नियर अब 40 ईयर्स में जो 40 साल का ऊपर में जो है उसका नियर का डिस्टर्ब होता है, और अब 50 डिस्टेंस डिमनेस भी होता है, दूर में होता है उसका मोतियाबिंद का। मेन कॉमन हम लोग का अभी ये मोतियाबिंद, जो अभी 45 या 48 में नेचुरल पेपर हो गया। मोतियाबिंद का कारण क्या है सर होने का? देखिए, जैसे हम लोग का एज का चलते सर का चूल भी पकता है, ऐसे मोतियाबिंद लेंस है, लेंस का अंदर कचरा जमता है, जो फिर कचरा का चलते चलते वो लेंस भारी हो जाता है, देखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। मोतियाबिंद से प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? एक नंबर है मोतियाबिंद का, 1-1.5 साल का बाद चेकअप कराएगा, मोतियाबिंद का लास्ट स्टेज है ऑपरेशन कराना। ऑपरेशन कराना? अच्छा, दोनों का ऑपरेशन करना पड़ेगा? नहीं, अब देखना पड़ेगा कौन आँख में ज़्यादा है कौन आँख में, अगर एक हो गया ज़्यादा जिसमें आ गया उसका बाद और एक में कराना, मतलब मोतियाबिंद दोनों आँख में होगा, ये कॉमन है। और कुछ समस्या? नहीं। और कितने दिन से समस्या? मेरा बुखार से 10 दिन गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, डॉक्टर एस सी, आज का जो आप गरीबों को जो सेवा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा एक्सपीरियंस है, और हमको ऐसा लगता है कि पेशेंट लोग के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। मैक्सिमम तो यहाँ सब ड्राइवर पेशेंट लोग ही हैं, तो बहुत ऐसे भी पेशेंट हैं जो कि सही में उनको डिस्टेंस विजन, नियर विजन का प्रॉब्लम है, लेकिन किसी कारण से वो नहीं दिखा पा रहे हैं, फाइनेंशियल रीजन के कारण या समय के अभाव के कारण। तो बहुत अच्छा पहल है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि यहाँ पर आप जो पेशेंट देखो, उनमें ज़्यादा बीमारी की क्या दिखाई दे रही है? मैंने विजन का प्रॉब्लम है उन लोगों को, विजन का प्रॉब्लम, विजन का प्रॉब्लम है। हम लोग साथ में कलर विजन वगैरह भी चेक कर ले रहे हैं, ताकि कि रेड लाइट ग्रीन लाइट ये सब उन लोगों को समझने में थोड़ा समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, उसका भी एक स्क्रीनिंग हो जा रहा है। सर, आंखों की प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए? कुछ 2-4 बात बोल दें हमारे दर्शकों के लिए। आंखों के प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहला तो किसी भी गंदे तालाब ये सब चीज़ों में नहीं नहाना चाहिए, साफ पानी का ही व्यवहार करें। अगर बहुत ज़्यादा धूप में निकलते हैं तो सनग्लास का व्यवहार करें, रेगुलर डॉक्टर के कंसल्ट में रहें। अगर विजन का प्रॉब्लम है तो सही पावर का आपको चश्मा व्यवहार करें। ये छोटा छोटा चीज़ है, दर्द हो, आँख में लाल हो, तो तुरंत किसी भी आई कंसल्टेंट से, आई डॉक्टर से मिले नज़दीकी, जो भी आपके यहाँ सुविधा हो, परहेज करने से ठीक है। ओके, थैंक यू। জনসংযোগ করে তুলতে কোর্টে থানা এবং কোর্টে ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে যে বিরাট চক্ষু পরীক্ষা কেন্দ্রে আয়োজন করা হয়েছে, তাতে এলাকার মানুষকে আমি সাদর আমন্ত্রণ জানাই।